हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 917 को। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और एक बात और, एक लास्ट टाइम मुझे कमेंट मिला था, उसमें बताया गया था कि थोड़ा सा ये जो आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो भैया देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे सक्षम प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें ये चीज़ें अच्छे से नहीं आती हैं, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ें नहीं आती, इसलिए हमें थोड़ा सा हर एक चीज़ को समझाना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे तो अपने लिए पढ़ना नहीं है, सीधी सी बात ये है। अपने लिए देखो, जिसको अपने लिए करना है उसे आराम से इजीली कर सकता है, लेकिन दूसरे को समझाने के लिए हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। डेटाबेस में किसी अन्य डेटा की स्थिति और विषय की सूचना देने वाले डेटा को क्या बोला जाता है? इसको डेटा मेटा डेटा बोला जाता है। मेटा डेटा का मतलब समझना, देखो डेटा के अंदर डेटा, इसका मतलब क्या हो गया? मेटा डेटा के अंदर डेटा को मेटा डेटा बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यार 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब ये 1, 2, 3 क्या है? क्या मतलब आपको समझ नहीं आएगा ना, एक सीरियल नंबर है क्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूँ, मान लो कि ये किसी का एक आईडी नंबर है, ये आईडी नंबर है, यहाँ पे मैंने कोई 2-3 नाम लिख दिया, मैंने कहा यहाँ पे अरुण और यहाँ पे मैंने कहा बलवीर, यहाँ पे मैंने कह दिया मान लो कि चेतेश्वर, इस टाइप से मैंने कुछ नाम दे दिया। तो इसका मतलब एक कोई डेटा है आपके पास, उस डेटा के अंदर आपको मैंने कुछ और डेटा दे दिया है, और इसी डेटा के अंदर डेटा को क्या बोला जाता है? मेटा डेटा बोला जाता है। तो अक्सर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी यहाँ पे देखिएगा, मैनिपुलेशन डेटा मतलब चीज़ों में चेंज करना, चीज़ों को कहते हैं ना मैनिपुलेट करना, तो इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपके पास रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा का मतलब होता है कि भैया आपके पास सारी चीज़ें जो काम की ना हो, जो आपके काम की जो चीज़ें होती हैं उसी रॉ डेटा से निकाल के ली जाती हैं। तो ये हुआ मेटा डेटा का मतलब, जो आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहते हैं? देखिए, वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप किसे बोला जाता है? वन टाइम का मतलब हो गया भैया एक बार आपने डेटा किसी के अंदर डाल दिया, उसके बाद जो है हम उसे इरेज नहीं कर सकते, इसलिए उसको वन टाइम बोला जाता है। आपने अपना मोबाइल फ़ोन देखा होगा ना, जैसे भी आप क्या करते हैं मोबाइल फ़ोन में जो कंपनी कोई रिंगटोन वगैरह डाल के दे दे, या फिर कभी देखा होगा आपने कि जब भी आपका मोबाइल फ़ोन खुलेगा या बंद होगा, एक जैसा उसमें एक पिक्चर आपको दिखेगी, जैसे नोकिया में पहले दिखता था। हालांकि अभी भी आप MI वगैरह के देखेंगे या कोई भी जो कंपनीज हैं उनका अपने तरीके से वो चीज़ें डिज़ाइन की भी होती हैं, तो वहाँ पे वो हमेशा एक जैसे खुलेगा, एक जैसा ही वो बंद होता है। तो वो क्या है, वो आपका एज अ मैं कह सकता हूँ कि वो एक परमानेंट तौर पे ना कंपनी ने सेव किया हुआ है। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रोम नाम दे दिया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर हमें यार फील हुआ यार कि हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, इसमें इरेज करना चाहिए यार, अभी अपने को कल के दिन यार किसी चीज़ में चेंज करना पड़ा तो फिर कैसे करेंगे। फिर हमने ये चीज़ें बनाई, यहाँ पे ई रोम की जगह इसको ई प्रोम कर देना, ठीक है। तो हम इसे इरेज कर पाते थे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन यहाँ पे इसमें हम UV की सहायता से हम इसको इरेज करते थे। इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि यार हमें UV के नीचे लेके जाना पड़ रहा है, उसके बाद हमें क्या करना, उसे इरेज करना पड़ रहा है, इसलिए हमने क्या किया फिर उसके बाद डबल ई रोम को जो है डेवलप किया। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, यानी इलेक्ट्रिक तरीके से जो है हम किसी भी जो डेटा को लिखा हुआ है आप उसको इरेज कर सकते हैं। फास्टर तो है ही, बट हाँ ये थोड़ा सा 3 डिफरेंस, इसमें आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं मतलब परमानेंट तौर पर, इसमें आप इरेज कर सकते हैं बट यूबी की सहायता से। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकली किसी चीज़ को इरेज कर सकते हैं। रोम के अंदर बेसिकली आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बाकी हार्ड डिस्क जो है आपके पास ये क्या हो जाता है, आपके पास एक सेकेंडरी मेमरी के अंदर आपके पास ये आ जाता है, बाकी तीनों की तीनों आपके पास प्राइमरी मेमरी के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 88 क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, सिम्बियन क्या है? ये सिम्बियन अगर आपने पहले पढ़ा होगा, वेलिंडन है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो ये आपके पास क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लिखा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास जैसे एंड्रॉयड होता है ना, एंड्रॉयड हो गया जैसे, ये सिम्बियन आई थिंक ये 1998 के आसपास का है। तो ये उस समय जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम था मोबाइल फोन्स के लिए, इसको लाया गया था जैसे आपके पास आज एंड्रॉयड है इसी टाइप से। तो यहाँ पे आपको बस यही चीज़ ध्यान रखनी, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वेब ब्राउजर जिसकी मदद से आप क्या कर पाते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं। इसी टाइप से कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपने पढ़ी होंगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। सर्च इंजन के थ्रू आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढते हैं। एक वेब ब्राउजर चाहिए इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट के अंदर चीज़ों को ढूंढने के लिए अपने को सर्च इंजन चाहिए होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 89 देखिएगा, टेक्स्ट को बड़े अक्षरों तथा छोटे अक्षरों में बदलने के लिए हमें यहाँ पे कौन सी जो है कि यहाँ पे प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना इसमें Shift+F3 अगर आप करेंगे तो आपका जो है ये वाली जो टेक्स्ट है वो बड़े अक्षरों में हो जाएगा या छोटे अक्षरों में, ये हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे वो लोग इसे बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से जानते होंगे। 90 क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक की संख्या कितनी होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अभी 26 आपको आंसर करना है, 26 ऑप्शन, वैसे 26 नहीं होगा आपके पास, आई थिंक 62 के आसपास होगा। देखिए होता क्या है ना, इसमें आपका ए से लेकर जेड तक आता है अल्फा न्यूमेरिक की में, ए से लेकर जेड तक ये पूरा आपके पास 26 होते हैं। इसी टाइप से आपके पास 0 से लेकर जो आपके पास पूरे 9 तक जो भी आएगा, ये जितने भी आपके पास न्यूमेरिक
वैल्यूज़ जो होती हैं, एक ये वाला नंबर भी आता है, उसके बाद आपके पास कुछ ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ साइन भी होते हैं, है ना, कंप्यूटर कीबोर्ड देखना उसमें कुछ ये भी होते हैं, तो ये कुछ टोटल मिला के लगभग लगभग आपके पास 62-63 के आसपास आते हैं। तो एग्ज़ाम में अक्सर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी टाइप से अल्फा न्यूमेरिक की पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो अभी मैक्सिमम आंसर जो दिया गया था आप उसको कर सकते थे, लेकिन हाँ कभी आपको अगर 62 अगर आंसर मिले तो आप उस आंसर की तरफ जा सकते हैं, जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक की सिंगल ए टू जेड नहीं होता है, वहाँ पे आपके पास नंबर्स भी होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है कंप्लीट आपका अल्फा न्यूमेरिक की बनाने के लिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंडर आ जाती हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 91, इसमें आपको सर्च करना था, क्या ढूंढना था भैया, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल ढूंढने थे। नंबर ऑफ ट्रायंगल ढूंढने के लिए देखो भैया सीधी सी बात है, ये स्क्वायर है तो हम इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अगर आपको पता होगा अगर कोई भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर अगर अपने को ट्रायंगल फाइंड आउट करने होते हैं तो हम इसमें 6 मल्टीप्लाई इजीली 2 कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ जो ट्रायंगल आएंगे इसमें 12 आएंगे, ठीक है, स्क्वायर के अंदर 12। सेम एज यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, इस वाले ट्रायंगल में आपको 3 मिलेंगे, इस वाले ट्रायंगल में आपको 3 मिलेंगे, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में 3 मिलेंगे, 3 कैसे मिलेंगे इसके बारे में बात करूँ, देखो पहला एक तो ये हो गया, एक ये हो, यानी 1, 2 और आपका बाहर से 3, सेम है जिसके लिए भी, सेम है जिसके लिए भी, सेम है जिसके लिए भी, यानी टोटल आपके पास कितने हो गए यहाँ पे, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, यानी 12 आपके पास और आ गए, ठीक है, 12 ये हो गया आपके पास भैया, ठीक है, 12 दोनों 24 तो आई गए आपके पास। इसके अलावा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन दो को मिला के भी आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक इन दो को मिला के मिलेगा, यानी 2 ये हो गए, सेम एज यहाँ पे भी करेंगे आप 3 और इन दोनों को मिला के भी मिलेंगे 4, तो 4 यहाँ पे आपके पास कुछ और आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक ये बनेगा जो कंप्लीट बनने वाला है इस टाइप से, और एक आपके पास ये बनेगा कुछ इस टाइप से, तो ये टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल होंगे 2 और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो आपको यहाँ पे 30 मिलेगा, मे बी यहाँ पे 30 आंसर नहीं है, यहाँ पे 30 आंसर नहीं है, ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपके पास कितना बनना चाहिए, 30 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई और ज़्यादा होगा तो फिर पिन वगैरह कर देंगे, अभी के लिए आप 30 ही इसको आंसर कीजिएगा। 92 देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है मोबिलिटी को कुछ ये लिख सकते हैं बोलता, और इसको ये लिखा जा सकता है, तो इसके लिए सिंपल से कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना होता है भैया, जो हमारे पास आपके पास जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो जिस अल्फ़ाबेट पे आता है हम उसको उसी अल्फ़ाबेट पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखेंगे एम के बारे में, तो आपके पास जो एम आता है वो आपके पास कौन सी पोजीशन पे आता है, आपके पास आ जाएगा ये 30th पोजीशन पे, तो एम आता है आपके पास 30th पोजीशन में, आपके पास ठीक है ना 13, 14 ये आ जाएगा आपके पास 50th पोजीशन पे, ठीक है, उसके बाद आपके पास बी आ जाता है सेकंड पोजीशन पे, आपके पास आई आता है आपके पास 9th पोजीशन पे, फिर एल आपके पास किस पोजीशन पे आ जाएगा 12th पोजीशन पे, आई आपके पास 9th पोजीशन पे आ जाएगा, टी आपके पास 20 पे आ जाएगा और वाई आपके पास 25th पे आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आप इसको कैसे बना सकते हैं ये चीज़ समझना, आप यहाँ पे क्या करेंगे 1+3 करेंगे तो 1+3 करने से आपको 4 मिलेगा पहली बात, 1+5 करेंगे तो आपको मिलता है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, ये 2 है तो 2 को सेम लिखा, 9 है तो 9 को सेम लिखा, इसी टाइप से आप 1+2 करेंगे तो आपको मिलेगा 3, तो 3 को यहाँ लिख दिया, उसके बाद 9 है तो 9 को हम ऐसे लिखेंगे, ये 2+0 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा और 5+2 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, ठीक है, तो ये इस टाइप से कुछ किया हुआ है। यहाँ पे आ जाइए, e को हम लिखेंगे 5 और जो हमारे पास x होता है इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी आ जाती है आपके पास 24 आ जाती है, ए को 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब मैं ऐसे लिख दूँ इसको 5, 4+2 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 5, 6, 1, यहाँ पे कोई आंसर है, हाँ जी, तो सी वाले से ही हमें इसका आंसर पता चल रहा है, बाकी आगे हमें इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी मेरी यहाँ पे समझ में आई होगी। 93 की तरफ बढ़ेंगे, एक फार्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं, और जितने पुरुष हैं उसके दुगनी मुर्गे हैं, और जितने बैल हैं उससे 3 गुना गाय हैं। देखिए आपको इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ इसका, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो कि ये पुरुष हैं, ये पुरुष हो गए, यहाँ पे बैल हैं, ठीक है, ये बैल हो गए, इसके अलावा मैंने क्या लिखा, और इसमें क्या आता है बैल हैं, इसमें आपके पास जितने पुरुष हैं दुगनी मुर्गियाँ, तो यहाँ पे मैंने मुर्गियाँ भी लिख दिया, और यहाँ पे एक और आ रहा जो है आपके पास गाय, ठीक। अब मैंने क्या किया, बोला इसमें क्या बोल रहा है, एक फॉर्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं, मान लो कि मैंने यार पुरुष मान लिया 1, तो बैल भी कितने हो जाएंगे 1, इसने बोला है जितने पुरुष हैं उसकी दोगुनी मुर्गियां हैं, तो मुर्गियां कितनी होंगी, अगर पुरुष 1 है तो मुर्गियां दोगुनी होंगी, यानी 1+2 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, गाय क्या होंगी 3 गुना होंगी, कितने जितने बैल हैं बोला 3 गुना उसके गाय होंगी, अगर बैल 1 है तो गाय कितना हो गया इसके 3 गुना, यानी बैल का 3 गुना कितना हो गया 1+3, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देख लो, मान लो यहाँ पे कितना बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि जो सिर हैं वो है 14, सिर कितने यहाँ पे
14। अब मैंने क्या बोला कि भैया अगर एक पुरुष है, एक बैल है, दो मुर्गियां हैं, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 7 आएगा। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में 7 है? 7 तो नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि यार जो 7 है ना, ये आपके किसके इक्वल हो गया, ये 42 के इक्वल हो गया। तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ में आ गई बात? ये कुछ आपका ना, ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, मैंने कहा यार 1 यूनिट की वैल्यू, जैसे मैंने कह दिया कि जो एक सिर की वैल्यू है वो आपके पास 2 के इक्वल आ गई, कुछ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसने बोला था कि गायों की पैरों की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है कि गायों की पैरों की संख्या कितनी होगी। अब पहले गाय कितनी होंगी, देखो यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू 2 है तो इसको 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, 3 × 2 = 6। मतलब गाय हो गई आपके पास टोटल कितनी, 6। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 6 गाय हैं तो मल्टीप्लाई 4 कर दो, क्योंकि एक गाय के पास 4 पैर होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसके आंसर आपके पास हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो आप लोग जो है इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जिसको नहीं आता भैया उसको थोड़ा मैथ सीखने की ज़रूरत है, नहीं तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कई तरीकों से करवाया है मैंने, और लास्ट टाइम शायद मैंने इसी पर किसी ने कमेंट भी किया था कि वो मेथड थोड़ा लेंथी हो गया। तो चीज़ें होती हैं समझाने के लिए, हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, थोड़ा लेंदी ही क्यों ना हो जाए ताकि वो हर किसी के समझ में जाए, क्योंकि ये वीडियो एक बच्चा नहीं देखता है। इसलिए चलिए 94 की तरफ बढ़ते हैं। अब इस 94 क्वेश्चन में क्या है ना यार, इसमें बोला गया था कि आपको एक ऐसी आकृति बनानी है जो दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों आकृति के समान हो जाए। तो यहाँ पे ना ये अगर आप इसको देखेंगे ना तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगर आप सी में देखेंगे ना तो सी आपको दर्पण ये एक जैसे मिलेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें आपको फिर वो नहीं मिलेगा जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्यों नहीं मिलेगा, जल प्रतिबिंब क्यों नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पे 3 है तो इसको 2 मिलेंगे, ये इस टाइप से नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें देखेंगे ना, कुल मिला के अगर मैं बात बोलूँ तो ये अनइक्वल टाइप में है, ये कुल मिला के बात बोली जाए तो अनइक्वल है, लेकिन यहाँ देखो ये सभी इक्वल है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, 2, 3 कुछ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे 2 ही है, यहाँ देखोगे तो ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 है। इसी टाइप से आपके पास देखो 2 इधर है तो 2 इधर है, तो इनका जो है जो मिरर इमेज है और जो वाटर इमेज होती है वो इक्वल आएगी। अब कैसे आती है ये तो फिर पूरा फिगर ड्रॉ करके ये आपको बताना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आएगी। तो ये सारे अनइक्वल हैं। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे ना ऐसी चीज़ें नहीं आती। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कोई भी चीज़ देखोगे ना आप अनइक्वल है, जैसे यहाँ पे 2 आपके पास साइड हो गई, नीचे एक ही है, यहाँ पे 2 साइड है, नीचे एक ही है, यहाँ देखोगे तो मैंने आपको बताया जैसे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो ये इसका भले ही आपका दर्पण इमेज सेम मिले लेकिन जल प्रतिबिंब आपको अलग ही मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सेम मिलेगा। देखो जब अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे मान लो, अगर आपने यहाँ पे इसको जल प्रतिबिंब दिखाओगे ना इसका ऊपर की तरफ, तो आपको सेम फिगर मिलेगा जैसे नीचे है, लेकिन इसका देखोगे ऊपर की तरफ तो आपको सेम फिगर नहीं मिलेगा, ये कहने का मेरा मतलब है। ठीक, क्योंकि जब आप इसको ऊपर देख रहे होगे ना, जब आप इसको ऊपर देखेंगे तो आपको ये वाली साइड नीचे दिखेगी और ये वाली साइड ऊपर दिखेगी, तो ये सेम थोड़ा ना हुआ। सेम का मतलब है जैसे आपको ये ऐसा दिख रहा है वैसे ये ऊपर दिखना चाहिए, ये है कहने का मतलब। तो ये ऊपर सेम नहीं दिखेगा क्योंकि आपके पास ये टॉप वाली साइड है, ये बॉटम वाली साइड है, तो ये टॉप वाली जो साइड है ये यहीं पर रह जाएगी बॉटम में, और ये बॉटम वाली साइड ऊपर टॉप में चली जाएगी, तो ये कुछ आपको अलग तरीके से नजर आएगा। तो इसलिए जो है वो सेम आपके पास आकृति नहीं बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आई होगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 95 क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है यार बोला भैया आपको बताना है 4:15 पर घड़ी की मिनट घंटे की सुइयों के बीच का मध्य कोण बताना है। आपको फॉर्मूला पता ही होगा यार, हम इसको हमेशा अप्लाई करते हैं। एवरग्रीन फॉर्मूला है 30 × r − 11/2 × min। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आता है वैलेंटाइन है, जिसको नहीं आता इसके और भी तरीके होते हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ है आप उसी से चलिए। हमने कहा 4:00, मैंने क्या कहा यहाँ पे 30 लिख दो, बोला भैया मल्टीप्लाई आर कर दो, कितना यहाँ पे 4 हो गया, −11/2 × यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, 15 हो गया। क्लियर होगी बात? यहाँ पे 120 कर लीजिए, 120 माइनस, इसको आप थोड़ा सा प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 165 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 240 − 165 अपॉन आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 75 अपॉन 2, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 37, 2 × 3 = 6 एंड 5 × 2 = 14 एंड 1/2, यानी 37 / 1/2 जो है आपके पास राइट आंसर आ जाता है। तो ये इस टाइप से जो चीज़ें ना आप देखो, ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ना, ये तो आनी चाहिए ना। अगर छोटी कैलकुलेशन नहीं आती, अभी अपन को अपने खुद के लिए करना है, तो अभी हम अपने को ये थोड़ा ना करना पड़ेगा, अपने तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व भी कर सकते हैं।
अब जिसको जितना आता है वो उसके अकॉर्डिंग करेगा, लेकिन जिसको नहीं आता भैया उसे तो पूरा करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसके लिए आंसर तो इसमें है ही नहीं, तो इसका यहाँ पे ये लिख लीजिएगा 37 1/2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अंश 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 का मतलब डिग्री से मतलब है उसका। चलिए 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, विश्वास है, मान लो ये विश्वास है, ये मैंने लिखा यहाँ पे विश्वास, तो ये विश्वास है, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, विश्वास का एक पिता है यहाँ पे, ये कौन है मुझे नहीं पता है, तो विश्वास का यहाँ पे एक पिता हो गई। तो विश्वास के पिता का इकलौता बेटा किसका पति है, कृतिका का पति है। तो जो विश्वास के पिता हैं इनकी वाइफ होगी, जिसका नाम क्या है, कृतिका। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा, देख लेते एक बार। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है, ये होगा ना कृतिका का पति, ये आपके पास क्या होगा, कृतिका का पति हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बोला। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा बन गया, भैया विश्वास है, विश्वास के पिता का बोला इकलौता बेटा कौन हुआ, विश्वास ही हुआ, और ये जो विश्वास है वो किसका पति है, कृतिका का पति है, कुछ ऐसा इसको समझिए। उसके बाद इसने क्या बोला, अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। देखो यहाँ पे ना मेरे पास विवेक है ना मेरे पास अंशुला है, इसको थोड़ा छोड़ दो, आगे बढ़ो। विश्वास जो है अंशुला का बेटा है, जो विश्वास है वो किसका बेटा है, अंशुला का बेटा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यार अंशुला ये है, विश्वास मैं कह सकता हूँ ये कौन है, अंशुला का बेटा है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, वैभवी कृतिका की बेटी है, जो वैभवी है वो कृतिका की बेटी है, तो हमने इसको वैभवी को थोड़ा ऐसे लिखते हैं, तो ये बेटी हो गई वैभवी, कृतिका की बेटी है। राज और विवेक भाई हैं, अब यहाँ पे राज भी नहीं है और विवेक भी नहीं है, राज का इसमें तो कुछ चीज़ें कुछ मिस नज़र आ रही हैं। अच्छा एक ये भी तो था, अंशुला की जो शादी है वो विवेक के इकलौते भाई से हुई है। तो भैया ये अंशुला की शादी हुई है विवेक के इकलौते भाई के साथ, तो मतलब देखो अंशुला का बेटा विश्वास था ना, तो ऑब्वियसली बात है हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा भैया आपके पास विवेक, ये कौन है, यहाँ पे विवेक है, और इसने क्या बोला था, जो राज और विवेक है वो भाई हैं, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे राज, तो ये भाई हो गए ऐसे इस टाइप से। तो ये कुछ इस टाइप से जो है इसका फिगर बनता है। तो इसने क्या बोला था, राज का वैभवी से क्या संबंध है, तो हमें बताना है राज का वैभवी से संबंध, यानी राज क्या लगेगा वैभवी का, तो राज क्या लगेगा वैभवी का, भैया देखिए जो विश्वास है वो राज का बेटा है, और ये वैभवी कौन है, वैभवी विश्वास की बेटी है, तो ऑब्वियसली बात है राज वैभवी का क्या होगा, दादा होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। इसको आप जो है अपने मेथड से भी कर सकते हैं। 97 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, भैया ये जो फोर्स है इसको बोला हमने ये लिखा गया, अगर आप ध्यान देंगे ये एफ जो है वो एफ के सेम है, मतलब मैंने क्या लिखा एफ जीरो, ये एफ सेम है, तो मतलब इसमें मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओ के बाद पी है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ओ में मुझे वन ऐड करना पड़ा हुआ, ओ में ऐड वन ऐड करोगे तो पी आएगा। आर के बाद आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे प्लस टू करेंगे आर में, यानी आर के बाद एस और टी, फिर यहाँ पे टी आएगा, फिर यहाँ पे जी में क्या ऐड करेंगे प्लस थ्री, मतलब एच आई जे, फिर जी आया, फिर यहाँ पे प्लस फोर कर देंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, कुछ ऐसे सेम एज यहाँ पे भी करेंगे, सी को हम सी लिखेंगे, यहाँ पे प्लस वन करेंगे, यू में आगे चले जाएंगे तो वी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस टू कर सकते हैं आप, इसमें आप प्लस थ्री कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस फोर कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस फाइव कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लस सिक्स कर सकते हैं। आपको मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे सी वी एन एस वी सेम, सी वी एन एस वी सेम, इतने तक यहाँ पे सेम आ रहा, देखो सी वी एन एस यहाँ तक भी सेम है, सी वी एन एस यहाँ तक भी सेम है, इसका मतलब आप डायरेक्टली कौन सा ट्राई कर सकते हैं, फिफ्थ वाला चेक कर सकते हैं आप, तो फिफ्थ वाला मतलब आर, आर से आप चार आगे आ जाइए, तो आपके पास एस टी यू वी, मतलब यहाँ पे आएगा आपके पास फोर्थ पोजीशन पे वी, तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो ऑलरेडी आपके पास गलत हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वी के बाद क्या आएगा, आई में आप आगे चले जाओ तो फाइव आपको आगे जाना है, तो जे के एल एम एन, यानी एन तक, इसका मतलब आपके पास ये वाला ऑप्शन बन रहा है बी वाला, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, एन मिलेगा, और लास्ट में आपके पास टी के बाद जेड कहाँ आता है, हाँ ठीक है, वाई एन जेड आ जाएगा, क्लियर हो गई बात। तो आपको क्या मिलेगा, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको फाइनली ये मिल जाएगा भैया, सी आ जाएगा यहाँ पे, वी आ जाएगा, एन आ जाएगा, एस आ जाएगा, वी एन और जेड, ये कुछ ऐसे मिलने वाला है, तो ऑप्शन बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 की तरफ। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। इसमें क्या था, इसमें बहुत सिंपल है, आप क्या करते ना इसमें, आप इसमें देखिएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 7 जो आपको मिलेगा 105, और 105 मल्टीप्लाई 8 करेंगे आप तो 840 मिलेगा, सेम एज ऐसे ही 11 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 99,
और 99 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 594। इसी टाइप से आप क्या करेंगे यहाँ पे सेम एज 7 मल्टीप्लाई करेंगे 12, ठीक है। और इसमें हमें ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो भी आएगा इसको ऐसा अलग से कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे इसको, कुछ ऐसा करना है यार, हमें करना है 7 मल्टीप्लाई भैया करना है 12, और इसमें ये भी मल्टीप्लाई करना है। तो मान लो कि मुझे नहीं पता है, तो इस नंबर को मान लेता हूँ एक्स है कि भैया हमें यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और इस किसके इक्वल आना चाहिए, वो 420 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 4480/84, ठीक। तो ये कुछ ऐसे बन गया। तो अब आप जो है इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी एक नंबर को ले लो, जैसे मैंने मान लो कि मैंने 4 से डिवाइड किया, इसको 4 2 8 हो गया, 4 1 4 हो गया, 4 1 4 हो गया 0, 4 5 20 आ गया, और 21 5 105 होता है, यानी 21 5 105। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप से कर सकते थे, या सिंपल सी बात है 12 मल्टीप्लाई 7 एक ऐसा नंबर लो जो आपको मल्टीप्लाई करने का 420 दे, तो यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो आपको 420 मिलेगा। तो ये इसका था लॉजिक। आगे बढ़ेंगे 99 की तरफ। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। संगीता अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करती है। तो मान लो यार संगीता का घर है यहाँ पे, ये दक्षिण की ओर चली 10 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर चलाओ इसको 10 किलोमीटर ऐसे। तो मैंने कहा मान लो कि ये 10 किलोमीटर चली दक्षिण की तरफ, ये चली गई दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर, फिर वो दाएँ मुड़ती है 4 किलोमीटर चलती है। दाएँ मुड़ने का मतलब भैया ये इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 किलोमीटर चली। और फिर उसके बाद वो 7 किलोमीटर वो बाएँ चलते हैं, इसका मतलब यहाँ पहुँचने के बाद बाएँ कौन सा होगा, उसका नीचे की तरफ होगा, और ये चली 7 किलोमीटर, ठीक है। इतनी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और पुनः वह 7 किलोमीटर बाईं ओर चलते, इसका मतलब फिर से 7 किलोमीटर चलिए इस डायरेक्शन में, तो ये 7 किलोमीटर ये भी हो गया। और अंत में वो बाएँ 17 किलोमीटर चलते, इसका मतलब ऊपर की तरफ चलती होगी ये ऐसे, और ये चलेगी 17 किलोमीटर। अब ये 17 कितना होता है हम इसको देख लेते हैं। देखो 17 का मतलब कितना हो गया, 17 का मतलब तो फिर यहीं पहुंच जाएगा यार, ये यहां पे पहुंचेगा, ये 17 होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, आप क्या ध्यान देंगे, देखिए जब यहां से लेकर यहां तक आपके पास 7 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली बात है ये यहां से लेकर यहां तक 7 है, और ये जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 होगा। तो ये 10 और ये 7 दोनों मिला के आपको कितना मिलेगा, 17 ही तो मिलेगा। अब इसको बताना था कि वो प्रारंभिक अपनी मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो मूल स्थान था भैया इसका यहाँ पे, तो आपको बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ये दूरी कैसे पता चलेगी, देखो ये है आपके 4, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी आपके पास कितनी होगी, ये भी आपके पास हो जाएगी 4 यहाँ से यहाँ तक। और आप जानते हैं कि ये टोटल जो है आपके पास 7 किलोमीटर है, तो इस टोटल से 4 को माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 3। सीधी सी बात है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब 4 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 3 होगा, तभी तो टोटल 7 बनेगी। तो यहाँ पे कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर है, तो ये भी आपके पास 3 होगी, तो ऊपर वाली आपके पास 3 होगी। तो ऑप्शन डी सही आ रहा ना इसका, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। 100 की तरफ बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है यार आपको ऐसा कुछ बताना है। बोला देखिए ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 1 है लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले ये देखो कि पहले 1 होना चाहिए और बाद में 4 नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भी हो जाए, मतलब पहले 1 आना चाहिए फिर 2 आना चाहिए और यहाँ पर आपके पास 4 नहीं होना चाहिए, ये ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे 1 2 1, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि भैया पहले 1 आ रहा बाद में 4 नहीं आ रहा है। इस 2 में पहले देखेंगे 4 2 1, तो ये नहीं आएगा, ये वाला यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, और ये वाला 2 भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके 2 से पहले मुझे 1 चाहिए, तो मुझे केवल वो 2 चाहिए जिसके पहले 1 हो और बाद में 4 ना हो। यहाँ पे 1 2 4 है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिएगा 1 2 2 है, तो मतलब ये बन जाएगा, क्योंकि 2 के पहले यहाँ पे 1 है और बाद में 4 नहीं है। इसके अलावा देखिएगा 1 2 1, ये भी आ जाएगा, इसके पहले 1 है बाद में 4 नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा 4 2 1, क्या ये आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि 2 के पहले 1 नहीं था। सेम एज यहाँ पे 2 1 2 आ सकता है, आप इसको देखिएगा ये वाला 2 से पहले 4 है, तो ये भी नहीं आएगा, 2 से पहले 1 आना चाहिए, 2 से पहले 1 आना चाहिए, तो हाँ ये वाला हो सकता है, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो 2 से पहले 1 है, तो ये बन सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या आपके पास 2 से पहले 1 2 4 था, तो ये जो है नीचे वाला ये नहीं बनेगा, क्योंकि 2 से पहले 1 है लेकिन बाद में 4 है, ठीक है। तो टोटल कितने बन रहे हैं ये, सेम एज यहाँ पे भी आप आगे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 से पहले 4 है, ये वाला जो टर्म्स बन रही ये भी गलत है, ये वाले 2 से पहले 4 ये भी गलत है, 1 2 4 ये भी गलत है, क्योंकि 1 और 4 तो अपने को चाहिए नहीं, तो ये सारे गलत है, ठीक है। तो कितने हो गए ऐसे, 1 आपको ये मिला, 1 1 2
3 और आपको कौन सा मिला, एक ये वाला मिला जहां पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी पहले एक है और बाद में 4 नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर होगी बात, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं है, जहां पे जिसको प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सेट का मतलब ही है आपको चीज़ें आनी चाहिए, और नहीं आ रही तो पहले इन चीज़ों को सीखिए उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई सॉल्यूशन वीडियो के साथ।